इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हुआ और सरल, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी ई फाइलिंग। वेतन भोगी तबके के लिए एक छोटा नया फॉर्म सहज 1 अप्रैल से उपलब्ध। इस फॉर्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया गया है जिससे कि ये और छोटा और अधिक सरल बन गया है। विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की व्यवस्था अपनाने से सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा, आधार के उपयोग से भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने एवं क्षमता को बेहतर करने में मदद मिलेगी। नगद हस्तांतरण को 78 योजनाओं में लागू किया गया है और अभी कई योजनाएं हैं जहां इसे लागू किया जाना है। देश में पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। क्षेत्र में 10% की विकास दर देखी गई और ये पिछले महीने 15% थी। देश में मेडिकल टूरिज्म में खासी बढ़ोतरी देखी गई और ये पिछले 2 साल में करीबन 25% की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की एक रिपोर्ट के मुताबिक उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना यानी कि यूडीआई ने बेहतर नकदी की स्थिति के कारण राज्य सरकारों पर अपनी सब्सिडी निर्भरता कम करने में मदद की है। राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार की राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों ने उनकी सब्सिडी कम कर दी है।